हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डेट इज़ आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एसक्यूएल जॉइंस के बारे में। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम क्लास ट्वेल्थ का कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का सिलेबस जो है वो कवर कर रहे हैं, जो आपका सीबीएसई टर्म टू में आने वाला है। और एट प्रेजेंट जो है ये हमारी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाली यूनिट चल रही है। हमारा ये लास्ट टॉपिक है जॉइंस का। डाटाबेस का सिलेबस आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और जॉइंस वाला जो ये टॉपिक है वो टू वीडियोस में कवर हो जाएगा। हाफ टॉपिक हम आज की क्लास में कवर करेंगे और हाफ टॉपिक जो है वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, और उसके साथ ही जो है वो डीबीएमएस का सिलेबस कम्प्लीट हो जाएगा। फिर एक तरीके से अगर हम देखें तो कंप्यूटर साइंस का जो है वो सिर्फ रिकर्जन वाला टॉपिक जो है आपका स्टैक्स का वो बचेगा, और जो इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के स्टूडेंट्स हैं उनका कंप्यूटर नेटवर्किंग का एक चैप्टर बचेगा जो से रिलेटेड है। और सिर्फ इन मतलब दोनों ही सब्जेक्ट्स के जो है एक एक टॉपिक बचेंगे जो कि हमारे विद इन वन वीक जो है हम कवर कर लेंगे। उसके बाद हमें सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चन और रिवीजन पार्ट बचेगा जो कि हम कंटिन्यू रखेंगे हमारे एग्जाम तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, डेट इज जॉइंस। जॉइंस जो है ये हमारा इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये ऑप्शनल है कि वो इसे स्टडी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। बट कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में ये है तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये मैंडेटरी है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जॉइंस जो हैं वो होते क्या हैं। जब हम एक से ज़्यादा टेबल्स से डाटा को कलेक्ट करते हैं तब हम जॉइंस का यूज़ करते हैं। यानी कि जब हमें टू या टू से ज़्यादा टेबल्स को एक साथ कंबाइन करना होता है, उनसे इकट्ठे डाटा कलेक्ट करना होता है, तब हम उन टेबल्स को जॉइन करके फिर उनसे डाटा रिट्रीव करते हैं और उसे हम एसक्यूएल जॉइंस कहते हैं। अ जॉइन इज़ अ क्वेरी डेट कंबाइंस रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल्स। जॉइंस जो हैं वो ऐसी क्वेरीज होती हैं जो दो या दो से ज़्यादा टेबल्स से रोज को कंबाइन करती हैं। इन अ जॉइन क्वेरी मोर देन वन टेबल आर लिस्टेड इन द फ्रॉम क्लॉज। अभी तक हमने एसक्यूएल के बारे में जितना भी पढ़ा, हम हमेशा फ्रॉम क्लॉज के अंदर एक सिंगल टेबल का नेम जो है वो प्रोवाइड करते थे। जिस टेबल से हम डाटा को रिट्रीव कर रहे हैं उस टेबल का नेम हम फ्रॉम क्लॉज में मैंशन करते थे। बट जब हम जॉइन क्वेरीज कर रहे होते हैं तो वहाँ हम फ्रॉम क्लॉज के अंदर एक से ज़्यादा टेबल्स के नेम मैंशन करते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि जॉइन का मतलब ही क्या है कि जब हम टू टेबल्स को या टू से ज़्यादा टेबल्स को एक साथ जॉइन कर रहे हैं, और जिस जिस टेबल से हम डाटा रिट्रीव कर रहे हैं, जिस जिस टेबल को हम ज्वाइन कर रहे हैं, उन सब के नेम्स हम फ्रॉम क्लॉज में मेंशन करते हैं। द फंक्शन ऑफ कंबाइनिंग डाटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स इज कॉल्ड जॉइनिंग। तो ये मैंने अभी आपको बता ही दिया कि मल्टीपल टेबल्स से डाटा को कंबाइन करने का जो फंक्शन होता है उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, जॉइनिंग कहते हैं, और ये एसक्यूएल जॉइंस के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। SQL can produce data from several related tables by performing either a physical or a virtual join of the table. जो SQL है वो related tables से एक साथ data जो है वो produce कर सकता है virtual joins या फिर physical joins की help से। The where clause is most often used to perform the join function where two or more tables have common column. हम जॉइंस क्वेरी में भी वेयर क्लॉज का यूज़ करते हैं कंडीशन को पुट करने के लिए। और जनरली जो वेयर क्लॉज है वो हम जॉइन क्वेरी में कब यूज़ करते हैं, जब दोनों टेबल्स में हमारे पास कोई कॉमन कॉलम होता है। क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि उस कॉमन कॉलम की वैल्यूज़ जहाँ पे मैच हो रही हों, सिर्फ हमारा वही डाटा एक दूसरे से कंबाइन हो। इसीलिए जनरली वेयर क्लॉज का यूज़ उसी केस में होता है जहाँ पे हमारे पास दोनों टेबल्स के अंदर कोई कॉमन कॉलम हो। अदरवाइज कई बार और कंडीशन भी जो है वो हमें पुट अप करनी होती हैं, तो उनके लिए भी हम वेयर क्लॉज का यूज कर सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। यहां पर देखिए आपको एक एग्जांपल दिया गया है। एग्जांपल से पहले आप यहां साइड में टेबल्स का स्ट्रक्चर देखिए, क्योंकि इस एग्जांपल में आपकी दो टेबल्स यूज हो रही हैं, बिल्ड एंड आइटम। जो आपकी बिल्ड टेबल है उसके अंदर आपके पास फोर कॉलम्स हैं, बिल नंबर है, पेशेंट नंबर है, आइटम कोड है और चार्जेस हैं। और साथ ही साथ जो आपकी आइटम टेबल है उसमें आपका आइटम कोड है, डिस्क्रिप्शन है और नॉर्मल चार्जेस हैं। ये आपकी दोनों टेबल्स का स्ट्रक्चर है। अब देखते हैं कि हमारा जो एग्जांपल है वो क्या है। सेलेक्ट पेशेंट नंबर, डिस्क्रिप्शन, नॉर्मल चार्जेस, चार्ज फ्रॉम बिल्ड कोमा आइटम
where build.itemCode is equal to item.itemCode. अब यहाँ पर देखिए, ये जो दो टेबल्स हैं आपकी, इन दोनों टेबल्स में कॉमन कॉलम कौन सा है? आइटम कोड. आइटम कोड जो है वो आइटम टेबल में भी है और वो बिल्ड टेबल में भी है. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जहाँ पे बिल्ड टेबल का जो ये आइटम कोड है, अगर वो आइटम के आइटम कोड से मैच कर रहा है, तो उस इंफॉर्मेशन में ये वाली इंफॉर्मेशन भी जो है ऐड हो जाए. अब एक बिल नंबर है, मान लीजिए 101, उसका पेशेंट नंबर आ गया आपका, उसका आइटम कोड आ गया, उसके चार्जेस आ गए. बट अगर आपको उसका डिस्क्रिप्शन और उसके नॉर्मल चार्जेस के बारे में भी जानना है, तो वो आपको कहाँ से मिलेगा? क्योंकि बिल्ड टेबल में तो सिर्फ चार ही चीज़ें हैं, बिल नंबर, पेशेंट नंबर, आइटम कोड एंड चार्जेस. तो अगर आपको उसका डिस्क्रिप्शन और नॉर्मल चार्जेस भी चाहिए, तो वो आपको कहाँ से मिलेंगे? आइटम टेबल से. अब आइटम टेबल से आप कैसे सर्च करेंगे कि कौन सा जो डिस्क्रिप्शन और नॉर्मल चार्जेस हैं वो इस वाले बिल नंबर के लिए होंगे? वहाँ पे आप कॉमन वैल्यू चेक करेंगे. तो आइटम कोड की वैल्यू जो है वो बिल्ड में भी है और आइटम्स में भी है. तो जहाँ पे आपको, मान लीजिए जो ये 101 बिल नंबर है, उसका आइटम कोड जो है वो 10 है, तो आप आइटम टेबल में सर्च करेंगे कि आइटम कोड 10 किसका है. तो जहाँ पे आइटम कोड 10 होगा, उसका डिस्क्रिप्शन और नॉर्मल चार्जेस जो है वो आपके इस बिल नंबर के साथ ऐड हो जाएगा. यानी कि आपकी दोनों टेबल्स की इंफॉर्मेशन वहाँ पे जॉइन हो गई और फिर वो डिस्प्ले हो जाएगी. तो इस तरीके से कॉमन कॉलम्स की वैल्यूज़ को मैच करके जो है हम इंफॉर्मेशन को कंबाइन कर सकते हैं. यहाँ पे इस एग्जांपल में क्या क्या डिस्प्ले करवाया है? पेशेंट नंबर, डिस्क्रिप्शन, नॉर्मल चार्जेस एंड चार्जेस. तो यहाँ पे आपको पेशेंट नंबर कहाँ से मिलेगा? पेशेंट नंबर और चार्जेस आपको बिल्ड टेबल से मिलेंगे और डिस्क्रिप्शन और नॉर्मल चार्जेस जो हैं वो आपको आइटम्स टेबल से मिलेंगे. अब आपको चार चीज़ें चाहिए डिस्प्ले करवाने के लिए. आप पेशेंट का नंबर, उसका डिस्क्रिप्शन और उसके जो नॉर्मल चार्जेस थे और जो चार्जेस उसने पे किए हैं, ये चारों इन्फॉर्मेशन आपको देनी है. और ये चारों इन्फॉर्मेशन आपकी दो अलग अलग टेबल्स में है. तो अब आपको यानी कि दो टेबल्स से डाटा चाहिए, और दो टेबल से डाटा हम जॉइंस की हेल्प से ले सकते हैं. तो पहले तो हमने वो कॉलम जो है सेलेक्ट में मेंशन कर दिए जो जो हमें डिस्प्ले करवाने हैं. हमें चाहिए पेशेंट नंबर, डिस्क्रिप्शन, नॉर्मल चार्ज, चार्ज. तो सेलेक्ट के साथ हमने चारों कॉलम्स मेंशन कर दिए. उसके बाद फ्रॉम क्लॉज में हमने उन टेबल्स के नाम मेंशन कर दिए जहाँ से ये कॉलम्स आ रहे हैं, फ्रॉम बिल्ड कोमा आइटम. अब सिर्फ अगर हम इतना काम करेंगे तो कौन से पेशेंट नंबर और चार्जेस के साथ कौन से वाला डिस्क्रिप्शन और नॉर्मल चार्जेस ऐड होना चाहिए वो नहीं पता चलेगा. वो एक रैंडम जॉइनिंग हो जाएगी. लेकिन हमें तो ऑब्वियसली करेक्ट पेशेंट नंबर के साथ उसी का डिस्क्रिप्शन और उसी के नॉर्मल चार्जेस को जॉइन करना है. तो हमें कोई तरीका सोचना पड़ेगा कि जिससे हम ये मैच कर सके दोनों टेबल्स का डाटा. तो तब हम दोनों टेबल्स को सर्च करेंगे, देखेंगे कि वहाँ कॉमन कॉलम क्या है, आइटम कोड. तो यानी कि जहाँ पे आइटम कोड की वैल्यू मैच करेगी, उसी इंफॉर्मेशन को हम एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे. तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आई हो. अगर नहीं आई तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी जब मैं आपको प्रैक्टिकली ये चीज़ करके दिखाऊंगी तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी. The above query is joining two tables, build and items. जो ये example है, ये आपका दो टेबल्स को ज्वाइन कर रहा है, बिल्ड एंड आइटम्स. इनके स्ट्रक्चर्स आपको लेफ्ट में दिए गए हैं, जो मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ. बाय इक्वेटिंग देयर आइटम कोड, और ये बिल्ड और आइटम टेबल को कैसे ज्वाइन कर रहा है, उनके आइटम कोड की हेल्प से, कि जहाँ पे आइटम कोड मैच कर रहा है दोनों टेबल्स का, वहाँ दोनों टेबल्स की रोज को ज्वाइन कर दिया. द सेलेक्ट लिस्ट कंसिस्ट ऑफ फील्ड्स कमिंग फ्रॉम बोथ द टेबल्स. जो सेलेक्ट लिस्ट है उसमें जो फील्ड हैं वो आपकी दोनों टेबल्स से आ रही हैं. दो फील्ड आपकी बिल्ड टेबल से आ रही हैं और दो आपकी आइटम टेबल से आ रही है. व्हेन टू और मोर टेबल्स हैव अ कॉलम विद द सेम नेम, द नेम कैन बी क्वालिफाइड बाय यूजिंग द टेबल नेम कंबाइंड विद द पीरियड इन रेफरिंग टू द कॉलम. अब यहाँ पे जो है वो ये क्या बोल रहा है कि जब आपकी जो दो या दो से ज़्यादा टेबल्स हैं उनमें जो कॉलम है उनका नाम सेम है. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे ये दोनों टेबल्स में कॉमन चीज़ क्या है, आइटम कोड. और आप देखिए आइटम कोड
कॉलम नेम यहाँ भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम वैसे ही है जैसे कि यहाँ पे है। तो अब जब वेयर क्लॉज में आपको आइटम कोड मैच करना है दोनों टेबल्स का, तो आप कैसे लिखेंगे? सिर्फ आइटम कोड इज इक्वल टू आइटम कोड लिख देंगे तो जो एसक्यूएल है वो ये आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएगा कि ये कौन सी टेबल से वैल्यू उसे पिक करनी है। तो जब आपके कॉलम की जब आपका कॉलम नेम जो है वो सेम होता है दो या दो से ज़्यादा टेबल्स में, तो उस कॉलम के साथ हम टेबल नेम का यूज़ करते हैं उस कॉलम को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। क्योंकि अगर सिर्फ कॉलम नेम की हेल्प से हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि वो किस टेबल का कॉलम है, तो हमें टेबल नेम यूज़ करना पड़ता है। और कैसे यूज़ करते हैं? टेबल नेम, उसके बाद हम डॉट सिंबल लगाते हैं, उसके बाद हम अपने कॉलम का नाम लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जब हमें बिल्ड टेबल का चाहिए था तो बिल्ड डॉट आइटम कोड इज इक्वल टू आइटम डॉट आइटम कोड, कि बिल्ड टेबल का आइटम कोड जो है अगर वो आइटम टेबल के आइटम कोड के इक्वल है तो बिल्ड और आइटम टेबल की रोज को एक दूसरे से कंबाइन कर दिया जाए। वही चीज़ ये यहाँ बोल रहा है, व्हेन टू और मोर टेबल्स हैव अ कॉलम विद सेम नेम, द नेम कैन बी क्वालिफाइड बाय यूजिंग द टेबल नेम कंबाइंड विद द पीरियड इन रेफरिंग टू द कॉलम। फॉर एग्जांपल बिल्ड डॉट पेशेंट नंबर, तो अगर आपको यहाँ पे देखिए पेशेंट नंबर ऑब्वियसली यूनिक है तो उसके लिए ज़रूरत नहीं है, बट इन्होंने सिर्फ एग्जाम्पल देके समझाया है कि पहले टेबल नेम, फिर डॉट, फिर उसके बाद कॉलम का नेम। Not that columns with unique names do not have to be qualified by the table name. तो जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया कि जो यूनिक नेम है उनके साथ टेबल नेम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, बस जिन कॉलम्स के नेम जो हैं वो कॉमन हैं दो या दो से ज़्यादा टेबल्स में, उन कॉलम्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमें उन कॉलम्स के साथ टेबल नेम जो है वो ऐड करना पड़ता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब यहाँ से जो है मैं आपको साथ साथ प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। ऊपर वाली क्वेरी में मैंने आपको प्रैक्टिकल इसलिए नहीं करवाया क्योंकि वो एक रैंडम क्वेरी थी। अभी जब हम टॉपिक वाइज देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, इक्वी ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, तो यहाँ पे हम प्रैक्टिकल जो है वो साथ साथ करते चलेंगे। सबसे पहली चीज़ कि कार्टेशियन ज्वाइन क्या होता है। कार्टेशियन ज्वाइन होता है जब हम दो टेबल्स को एक दूसरे से इस तरह ज्वाइन करते हैं कि जितनी भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं रोज के, वो सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, पहली टेबल की हर रो को हम दूसरी टेबल की रोज के साथ कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए जो दो टेबल्स हैं उनमें एक में आपके पास 5 रोज हैं और दूसरे में आपके पास 3 रोज हैं, तो आपके आउटपुट में टोटल कितनी रोज मिलेंगी? आपको 15 रोज मिलेंगी। क्योंकि क्या होगा कि जो फर्स्ट टेबल की आपकी 5 रोज हैं वो पहले आपकी सेकेंड टेबल की फर्स्ट रो के साथ कनेक्ट होंगी, फिर वो 5 की 5 रोज सेकेंड टेबल की सेकेंड रो के साथ कनेक्ट होंगी, और फिर वो 5 की 5 रोज सेकेंड टेबल की थर्ड रो के साथ कनेक्ट होंगी। तो आपकी टोटल नंबर ऑफ रोज क्या हो जाएंगी? 15 हो जाएंगी। सिमिलरली अगर दोनों ही टेबल में 5 5 रोज हैं तो आपके टोटल कॉम्बिनेशंस कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितनी नंबर ऑफ रोज होती हैं हमारी फर्स्ट टेबल में मल्टीप्लाई बाय जितनी नंबर ऑफ रोज हैं सेकंड टेबल में, उतनी नंबर ऑफ रोज हमें आउटपुट में मिलती हैं। तो इस तरह के जो जॉइंस होते हैं हम उन्हें अनरिस्ट्रिक्टेड जॉइन भी कह देते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह की कोई कंडीशन नहीं होती है, हम सारी रोज को आपस में एक दूसरे से जॉइन करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग क्वेरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP कॉमा डिपार्टमेंट। ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है। दिस क्वेरी विल गिव यू द कार्टेशियन प्रोडक्ट, डेट इज ऑल पॉसिबल कॉनकैटिनेशंस आर फॉर्म्ड ऑफ ऑल रोज ऑफ बोथ द टेबल्स EMP एंड डिपार्टमेंट। जब ये क्वेरी आपकी एग्जीक्यूट होगी तो EMP और डिपार्टमेंट टेबल की जितनी भी रोज हैं वो आपस में जितने पॉसिबल कॉनकैटिनेशंस होते हैं वो फॉर्म करेंगी। That is when no particular row and column are selected. Where clause में कोई condition नहीं दी है जिससे rows का selection हो सके, और ना ही select clause में कोई column दिया है जिससे columns का selection हो सके। Such an operation is also known as unrestricted join. क्योंकि यहाँ पर किसी तरह की कोई condition नहीं है इसीलिए हम इस तरीके के joins को unrestricted joins भी बोलते हैं।
It returns n1 multiplied by n2 rows, where n1 is the number of rows in the first table and n2 is the number of rows in the second table. तो ये मैंने आपको बता ही दिया है कि आउटपुट में हमें कितने नंबर ऑफ रोज मिलती है, नंबर ऑफ रोज ऑफ द फर्स्ट टेबल मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड टेबल. तो चलिए हम इसे एक बार करके देख लेते हैं. प्रैक्टिकल के लिए हम MySQL का कमांड लाइन क्लाइंट यूज करेंगे. तो इसे ओपन कर लेते हैं. यहाँ पे पहले हमें पासवर्ड एंटर करना है, तो मैं पासवर्ड एंटर कर देती हूँ. ये हमारा MySQL ओपन हो गया. अब हम डाटाबेस को ओपन करेंगे जिसमें हमें वर्क करना है. हमारे डाटाबेस का नाम है सैंपल. हमने सैंपल डाटाबेस को ओपन कर लिया. ये देखिए हमारा डाटाबेस ओपन हो गया है. अब हम यहाँ पे दो टेबल्स पे वर्क करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ज्वाइन करने के लिए हमें मिनिमम टू टेबल्स तो चाहिए. तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि सैंपल टेबल में हमारे पास टेबल्स कौन कौन सी हैं, और वो हम किसकी हेल्प से देखेंगे, शो टेबल्स. ये देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट, EMPL और एम्प्लॉय 3 टेबल्स हैं. हम एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल को आपस में ज्वाइन करेंगे. तो जिन टेबल्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं पहले हमें पता होना चाहिए कि उन टेबल्स में क्या डाटा है. तो पहले हम देखते हैं एम्प्लॉय टेबल का डाटा. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय. ये देखिए एम्प्लॉय टेबल में आपके पास 6 रोज हैं. यहाँ पे आपके पास कॉलम्स कौन कौन से हैं, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, उनका जेंडर, उनका ग्रेड, उनकी ग्रॉस सैलरी, उनका कमीशन और उनका डिपार्टमेंट नंबर. अब देखते हैं डिपार्टमेंट टेबल. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट. डिपार्टमेंट टेबल में हमारे पास 3 रोज हैं और यहाँ पे 4 कॉलम्स हैं. डिपार्टमेंट का नंबर है, डिपार्टमेंट का नेम है, डिपार्टमेंट का मैनेजर नंबर है और उनकी लोकेशन है. तो अब अगर हम इस पे कार्टेशियन प्रोडक्ट लगाते हैं तो हमारे पास बेसिकली हम अगर एज्यूम करें तो हमें क्या आउटपुट में मिलना चाहिए. जैसा कि हमने पढ़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट में फर्स्ट टेबल की सारी रोज सेकेंड टेबल की सारी रोज के साथ कॉन्केटिनेट होती है. तो बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट टेबल में नंबर ऑफ रोज है 6, सेकेंड टेबल में नंबर ऑफ रोज है 3. तो आउटपुट में हमें कितने नंबर ऑफ रोज मिलेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 18 नंबर ऑफ रोज मिलेंगे. वो 18 रोज कौन कौन सी होंगी, फर्स्ट टेबल की 6 रोज जो है वो सेकेंड टेबल की फर्स्ट रो से भी कनेक्ट होंगी, सेकेंड टेबल की सेकेंड रो से भी कनेक्ट होंगी और सेकेंड टेबल की थर्ड रो से भी कनेक्ट होंगे. तो चलिए हम इसे रन करके देखते हैं. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट एंटर. तो ये देखिए पहले नंबर ऑफ रोज चेक कीजिए. यहाँ पे देखिए ये नंबर ऑफ रोज आपका लिखा हुआ है 18 रोज इन सेट, ठीक है. अब नंबर ऑफ कॉलम्स देखिए, आपकी जो फर्स्ट टेबल थी उसमें आपके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने थे, 7 थे. एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, जेंडर, ग्रेड, ग्रॉस सैलरी, कमीशन एंड डिपार्टमेंट नंबर. उसके बाद जो आपकी सेकेंड टेबल थी उसमें 4 कॉलम्स थे, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट मैनेजर नंबर एंड लोकेशन. तो दोनों ही टेबल्स के कॉलम्स जो हैं वो कंबाइन हो गए हैं. ये देखिए आपके जो फर्स्ट टेबल की फर्स्ट रो है वो आपकी सेकेंड टेबल की फर्स्ट रो के साथ कनेक्ट हुई, सॉरी सेकेंड टेबल की तीनों रोज के साथ कनेक्ट हुई. यहाँ से आपके सेकेंड टेबल का डाटा स्टार्ट हो रहा है. तो जो एम्प्लॉय कोड 1001 है, करण है, करण वाली रो जो है वो डिपार्टमेंट टेबल की तीनों रोज के साथ कनेक्ट हुई पहले. फिर उसके बाद टीना की जो वाली जो रो है वो डिपार्टमेंट टेबल की तीनों रोज के साथ कनेक्ट हुई. फिर सचिन वाली जो रो है वो डिपार्टमेंट टेबल की तीनों रोज के साथ कनेक्ट हुई. तो यानी कि फर्स्ट टेबल की सारी रोज जो है वो सेकेंड टेबल की सारी रोज के साथ कॉन्केटिनेट हो रही है. तो ये होता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट. इसी का हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं. हमारे पास यहाँ एक और टेबल है. पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं कि उसमें डाटा क्या है. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL. ये देखिए इस टेबल में हमारे पास 5 कॉलम्स हैं और 11 रोज हैं. तो यहाँ पे अब अगर हम इसे डिपार्टमेंट टेबल के साथ ही जो है कंबाइन करके देखते हैं तो 11 और 3 टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हो जाएंगे हमारे पास, 33 नंबर ऑफ रोज जो हैं वो हो जाएंगे. और कॉलम्स कितने होंगे, 5 कॉलम्स इसमें हैं, 4 कॉलम्स इसमें हैं, टोटल 9 कॉलम्स होंगे. तो एक बार हम रन करके देखते हैं. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL कॉमा डिपार्टमेंट.
ये देखिए टोटल नंबर ऑफ रोज आ गई आपकी 33। हम इसे थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर लेते हैं। यहां से देखिए, यहां से आपकी क्वेरी स्टार्ट हो रही है। तो आपकी फर्स्ट टेबल की फर्स्ट रो जो है वो सेकंड टेबल की तीनों रोज के साथ कंबाइन हुई। राज वाली जो रो है वो तीनों रोज यानी कि 40 डिपार्टमेंट नंबर, 30 डिपार्टमेंट नंबर और 20 डिपार्टमेंट नंबर के साथ कनेक्ट हुई। फिर राहुल वाली जो रो है वो भी डिपार्टमेंट टेबल की तीनों रोज के साथ कनेक्ट हुई, डिपार्टमेंट नंबर 40 से, 30 से, 20 से। इसी तरीके से सारी रोज जो है ईएमपीएल टेबल की वो डिपार्टमेंट टेबल के साथ जो है वो कनेक्ट हुई। अब हम ईएमपीएल टेबल को एम्प्लॉय टेबल से भी कनेक्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगी, 66, क्योंकि ईएमपीएल में आपके पास 11 रोज हैं और जो आपकी एम्प्लॉय टेबल है उसमें आपके पास 6 रोज हैं। तो इसे हम स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं दोबारा से, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपीएल कॉमा एम्प्लॉय। तो ये देखिए नंबर ऑफ रोज 66 है, क्योंकि फर्स्ट टेबल की हर रो जो है वो सेकंड टेबल की हर एक रो के साथ आपकी कनेक्ट होती है। तो आई होप कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है ये आपको समझ आ गया होगा। ऑल्दो कार्टेशियन प्रोडक्ट का यूज़ जो है वो बहुत कम सिचुएशंस में होता है, क्योंकि हमें कोई ना कोई कंडीशन चाहिए ही होती है। जनरली इस तरीके का डाटा हमारे लिए लेस यूज़फुल होता है, जहाँ सारा का सारा डाटा एक दूसरे से कंबाइन हो रहा हो। अब यहाँ ईएमपीएल और एम्प्लॉय को तो ऑब्वियसली कंबाइन करने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि दोनों ही एम्प्लॉय टेबल हैं। एम्प्लॉय टेबल को जब हम डिपार्टमेंट से कनेक्ट कर रहे थे वहाँ पर हमारी लॉजिकल कॉम्बिनेशन थी, बट वहाँ पर भी अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो यूज़लेस थी। उसका यूज कब होगा, कैसे होगा, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। मैं आपको एक बार दोबारा से वो रन करके दिखा देती हूँ। हम इसे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट। ये देखिए ये हमारा आउटपुट है इसका। अब यहाँ पे हमने एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल को आपस में ज्वाइन किया। बेसिकली होना क्या चाहिए कि जो ये एम्प्लॉय है करण, ये किस डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है, डिपार्टमेंट नंबर 10 में। तो इसके साथ डिपार्टमेंट नंबर 10 की ही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसी डिपार्टमेंट का नेम, उसका मैनेजर नंबर और लोकेशन होनी चाहिए। जो टीना है वो डिपार्टमेंट नंबर, वो भी 10 में वर्क कर रही है, तो उसके आगे भी सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर 10 की डिटेल्स होनी चाहिए। जो सचिन है वो डिपार्टमेंट नंबर 30 में वर्क कर रहे हैं, तो उनके साथ डिपार्टमेंट नंबर 30 की डिटेल्स होनी चाहिए। अमित भी डिपार्टमेंट नंबर 30 में है, उसके साथ अगेन 30th डिपार्टमेंट की डिटेल्स होनी चाहिए। सुमित 20th डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है, तो उसके सामने 20th डिपार्टमेंट की डिटेल होनी चाहिए, डेट इज़ एनालिसिस, मैनेजर आई डी इज 105 एंड लोकेशन इज मुंबई, इस तरीके से। जबकि बाकी सारी रोज तो यूजलेस हैं। करण अगर डिपार्टमेंट नंबर 10 में वर्क कर रहा है तो उसके साथ डिपार्टमेंट नंबर 40, 30 और 20 वाली रोज को कंबाइन करना यूजलेस है। तो इसीलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का यूज़ जो है वो बहुत कम होता है। जनरली हम नेचुरल जॉइंस और इक्वी जॉइंस का यूज़ करते हैं, और या फिर अगर हम सिंपल जॉइन भी कर रहे हैं तो हम उसमें कोई ना कोई कंडीशन जो है वो ज़रूर स्पेसिफाई करते हैं। नेक्स्ट वन इज टेबल एलियासेस। हमने चैप्टर 12 में कॉलम एलियासेस पढ़ा था, तो आई होप आपको याद होगा कि कॉलम एलियासेस जो हैं वो क्या होते हैं। जब हम कॉलम्स के लिए न्यू नेम क्रिएट करते थे और वो न्यू नेम जो है वो सिर्फ यूज़र को रिप्रेजेंट करने के लिए होते हैं, एक्चुअल डाटाबेस में उस नेम से कोई रिलेशन नहीं होता है, उन्हें हम कहते हैं टेबल एलियासेस। तो बेसिकली सिर्फ यूसेज मतलब यूज़र को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसी कॉलम का निकनेम जब क्रिएट करते थे तो उसे हम कॉलम एलियासेस कहते थे। सिमिलरली यहाँ पे जब हम टेबल्स के लिए एलियास क्रिएट करेंगे तो वो टेबल्स के लिए एक तरीके से निकनेम का वर्क करेंगे और एक्चुअल डाटाबेस से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टेबल एलियासेस की ज़रूरत हमें क्यों है। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल आपने देखा, आपने ऊपर देखा था बिल्ड डॉट आइटम कोड इज इक्वल टू आइटम डॉट आइटम कोड, बट कई बार हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है
कि हमें सेलेक्ट लिस्ट में भी बार बार टेबल के नाम के साथ ही कॉलम नेम जो है वो मेंशन करना पड़ता है, तो उस केस में हमारा टाइपिंग टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है कि बार बार पूरी टेबल का नेम टाइप करो फिर डॉट लगा के कॉलम नेम टाइप करो। तो उन केसेस में हम क्या करते हैं कि टेबल्स के शॉर्ट नेम्स जो हैं वो क्रिएट कर लेते हैं, सिंगल अल्फ़ाबेट का या डबल अल्फ़ाबेट, इस तरीके से एक एक दो दो कैरेक्टर के नेम्स जो हैं वो हम रख लेते हैं अपनी टेबल्स के, ताकि बार बार जब कॉलम को टेबल के नाम के साथ यूज़ करना पड़ रहा है तो उस टाइम पे हमारा टाइपिंग में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और स्पेलिंग मिस्टेक्स के चांसेस भी जो हैं वो कम रहें। अ टेबल एलियास इज अ टेम्परेरी लेबल गिवन विद द टेबल नेम इन फ्रॉम क्लॉज। जब हम फ्रॉम क्लॉज में टेबल नेम के साथ एक टेम्प्रेरी लेबल प्रोवाइड कर देते हैं और उस लेबल को हम सिर्फ और सिर्फ उसी क्वेरी के अंदर यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, टेबल एलियासेस। टू कट डाउन ऑन द अमाउंट ऑफ टाइपिंग रिक्वायर्ड इन योर क्वेरीज यू कैन यूज़ एलियासेस फॉर टेबल नेम इन द सेलेक्ट एंड वेयर क्लॉज। हम फ्रॉम क्लॉज के अंदर टेबल के एलियास क्रिएट करते हैं और अपनी टाइपिंग टाइम को सेव करने के लिए हम सेलेक्ट और वेयर क्लॉज के अंदर उन टेबल एलियासेस का यूज करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग क्वेरी। अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल 12.1 जो है ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे आएगा कंसिडर द एग्जाम्पल 14.1, ये जो आपका नीचे एग्जाम्पल दिया गया है। लिस्ट द पेशेंट्स हु हैड ईदर डॉक्टर एन पंड्या, डॉक्टर ए सप्रा, डॉक्टर सुलेमान रशीद, डॉक्टर केथ जॉन एज फिजिशियन। हमें उन पेशेंट्स की लिस्ट रिप्रेजेंट करनी है जिनके फिजिशियंस या तो डॉक्टर एन पंड्या हैं या फिर डॉक्टर ए सप्रा हैं या फिर डॉक्टर सुलेमान रशीद हैं या फिर डॉक्टर केथ जॉन हैं। डॉक्टर एन पंड्या हैज फिजिशियन आई डी एज 8883, डॉक्टर सप्रा की फिजिशियन आईडी है 8887, डॉक्टर रशीद की फिजिशियन आईडी है 8886 एंड डॉक्टर जॉन की फिजिशियन आईडी है 8882। ये चारों डॉक्टर्स की जो है वो फिजिशियन आईडी है। अब हमें ये देखना है कि हम कैसे जो है करेंगे। अब यहाँ पे दो टेबल्स आपने ऊपर पढ़ी थी, बिल्ड एंड आइटम्स, और दो टेबल्स ही यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर गिवन है। ट्रीट टेबल जिसमें आपके पास फिजिशियन आईडी है, पेशेंट नंबर है, प्रोसीजर नंबर है, डेट ट्रीटेड है, ट्रीट रिजल्ट है। साथ ही साथ आपके पास एक फिजिशियन टेबल है जिसमें फिजिशियन आईडी है, फिजिशियन फोन नंबर है और फिजिशियन का नेम है। अब एक टेबल का स्ट्रक्चर यहाँ गिवन नहीं है और वो होगी हमारी पेशेंट की टेबल। फिजिशियन की टेबल दे दी, ट्रीट की टेबल दे दी, बट ऑब्वियसली जो पेशेंट है उसकी टेबल भी तो चाहिए। ऊपर आपकी बिल की टेबल थी कि जो उसका बिल बना है और जो उसका आइटम्स जो यूज़ हुए हैं उनकी टेबल थी, बट एक्चुअली जो पेशेंट एडमिटेड है उसकी टेबल यहाँ पे उन्होंने नहीं दी है। बट हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो पेशेंट टेबल होगी उसमें ऑब्वियसली एक तो हमारा पेशेंट नंबर होगा क्योंकि उसी से ये रेफर कर सकते हैं हम, साथ ही साथ पेशेंट का नेम होगा और उससे रिलेटेड, पेशेंट से रिलेटेड और बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी हमें कहाँ मिलेगी, पेशेंट टेबल के अंदर मिलेगी। तो अब हमें ये क्वेरी लिखनी है, हमें पेशेंट्स के नेम लिखने हैं और वो भी उन पेशेंट्स के नेम जिनके फिजिशियन ये डॉक्टर्स हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, अब हमारे पास 5 टेबल्स हैं, हमें 5 टेबल्स में से ढूंढना है। फिजिशियन नेम हमारे पास यहाँ पर है, यहाँ पे हमारे पास फिजिशियन नेम और फिजिशियन आईडी है, बट ये किन पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं ये हमें यहाँ से नहीं पता चल रहा। उसके लिए हमें कौन सी टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, हमें पड़ेगी ट्रीट टेबल की ज़रूरत, क्योंकि यहाँ पे फिजिशियन आईडी है साथ साथ हमारे पास पेशेंट नंबर है कि ये फिजिशियन जो है वो किस पेशेंट को डील कर रहे हैं। बट इस टेबल से भी हमें सिर्फ क्या मिला, पेशेंट नंबर मिला, अभी हमें पेशेंट का नाम नहीं मिला। वो हमें कहाँ से मिलेगा, पेशेंट टेबल से, क्योंकि जो पेशेंट टेबल है उसमें पेशेंट नंबर के साथ पेशेंट नेम भी होगा, क्योंकि जैसे ये फिजिशियन की टेबल है वहाँ पे फिजिशियन की आईडी और फ़ोन और नेम है, तो पेशेंट टेबल में भी पेशेंट की का नंबर, उसका नेम, उसका फ़ोन और उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर होगी। तो इस क्वेरी को हम किस तरीके से लिखेंगे, पहले तो हम सेलेक्ट लिस्ट में वो कॉलम्स दे देंगे जो जो हमें रिप्रेजेंट करवाने हैं।
अब फ्रॉम क्लॉज में हम कौन कौन सी टेबल मेंशन करेंगे? तीन टेबल्स मेंशन करेंगे क्योंकि यहाँ पे तीन टेबल्स का यूज हो रहा है, फिजिशियन, ट्रीट और पेशेंट, तीन टेबल्स हमारी यूज हो रही है। अब तीन टेबल यूज तो हो रही हैं, लेकिन इन तीन टेबल्स को हम आपस में ज्वाइन कैसे करेंगे? तो हम एक बार में दो टेबल्स को एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहले हम फिजिशियन को ट्रीट से ज्वाइन करेंगे। फिजिशियन को ट्रीट से कैसे ज्वाइन करेंगे कि जहाँ पे फिजिशियन आईडी जो है वो सॉरी फिजिशियन की फिजिशियन आईडी जो है वो ट्रीट की फिजिशियन आईडी के इक्वल है, वहाँ पे ये इंफॉर्मेशन जो है वो एड ऑन हो जाएगी। तो अब हमारे पास एक ज्वाइन बन गया जहाँ पे हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, फिजिशियन आईडी है, फिजिशियन फोन है, फिजिशियन का नेम है, उसके पेशेंट का नंबर है, प्रोसीजर नंबर है, उसके ट्रीटमेंट की डेट है और उसके ट्रीटमेंट का रिजल्ट है। अब हमारे पास एक ऐसा जॉइन आ गया, बट इस जॉइन में अभी भी पेशेंट नेम जो है वो अनअवेलेबल है। तो पेशेंट नेम हमें कहाँ से मिलेगा? जब हम इस टेबल को आगे से जॉइन करेंगे पेशेंट टेबल के साथ, तो हम क्या करेंगे, वेयर ट्रीट डॉट पेशेंट नंबर इज इक्वल टू पेशेंट डॉट पेशेंट नंबर। तो वहाँ पे क्या होगा कि ये टेबल जो है वो आगे भी फर्दर ज्वाइन हो जाएगी कि इस इंफॉर्मेशन में पेशेंट नंबर जहाँ पे मैच करेगा वहाँ पेशेंट का नेम और उससे रिलेटेड बाकी इंफॉर्मेशन भी स्टोर हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं बुक में इस क्वेरी को। ये देखिए, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट पेशेंट नंबर कॉमा फिजिशियन आई डी From treat where physician ID in। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने अभी कोई ज्वाइन नहीं किया, इन्होंने सिर्फ क्या किया कि ट्रीट टेबल से डिस्प्ले करवाया पेशेंट नंबर को फिजिशियन आईडी के साथ, और वो भी सिर्फ उन फिजिशियन आईडीज़ को जिनके फिजिशियन आईडी जो है वो इस लिस्ट में लाई करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ क्वेश्चन में दिया गया था कि सिर्फ इन्हीं चार डॉक्टर्स के पेशेंट के लिस्ट चाहिए। बट हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि हमें पेशेंट्स की लिस्ट चाहिए, बट इस क्वेरी से आपको क्या मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ पेशेंट्स का नंबर मिल रहा है, यानी कि ये हमारी एक्चुअल क्वेरी नहीं है। द अबव एग्जाम्पल 14.1 वेयर द क्वेरी लिस्टेड द पेशेंट नंबर एंड फिजिशियन आई डी बट नोट द पेशेंट नंबर ऑफ द फिजिशियन नेम फील्ड। तो ये क्वेरी जो है वो सिर्फ पेशेंट नंबर दे रही है, पेशेंट नेम नहीं। The following query join the patient, physician and treat table to produce the desired information। जो हमें क्वेरी में पूछा गया है वो इन्फॉर्मेशन हमें कैसे मिलेगी, जब हम पेशेंट, फिजिशियन और ट्रीट टेबल को आपस में ज्वाइन करेंगे। द क्वेरी ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ एन एलियाजिस फॉर टेबल नेम्स वेयर वी हैव थ्री एलियाजिस PA, PH and TR one for each table। तो ये जो हमारी क्वेरी है, ये इस क्वेरी में हम टेबल एलियासिस भी क्रिएट कर रहे हैं ताकि उसका भी एग्जाम्पल साथ साथ कवर हो जाए। और हमने क्या एलियासिस क्रिएट किए हैं, पेशेंट के लिए PA, फिजिशियन के लिए PH और ट्रीट के लिए TR जो है हमने यूज़ किया है। तो वही सेम क्वेरी जो है यहाँ पे देखिए आपको दोबारा से दी गई है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट पेशेंट नंबर कॉमा पेशेंट नेम कॉमा फिजिशियन आईडी कॉमा फिजिशियन नेम। अब ये देखिए पेशेंट नंबर जो है वो यूनिक है, सॉरी पेशेंट नंबर जो है वो आपका ट्रीट टेबल में भी है, पेशेंट टेबल में भी है, तो ऑब्वियसली आप किस टेबल का पेशेंट नंबर रिप्रेजेंट करवा रहे हो, तो उसके लिए हमने टेबल नेम यूज किया। पेशेंट नेम सिर्फ पेशेंट टेबल में है, उसके लिए हमें टेबल नेम की ज़रूरत नहीं है। फिजिशियन आईडी आपकी ट्रीट में भी थी, फिजिशियन टेबल में भी थी, तो हम यहाँ फिजिशियन टेबल के करवा रहे हैं, इसलिए हमने पीएच डॉट यूज़ किया। फिजिशियन नेम सिर्फ फिजिशियन टेबल के अंदर ही था, वो यूनिक नेम है, तो इस वजह से हमने टेबल नेम यूज़ नहीं किया। अब यहाँ पे देखिए फ्रॉम क्लॉज में हमने तीनों टेबल्स मेंशन की और तीनों के लिए एलियाज भी क्रिएट किया। पेशेंट के लिए हमने कौन सा एलियाज क्रिएट किया, पीए, फिजिशियन के लिए पीएच और ट्रीट के लिए टीआर, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब अगर आप बार बार पेशेंट और फिजिशियन टाइप करेंगे, ऑल दो यहाँ पे सिर्फ आपको एक एक बार ही टाइप करना, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत बार हमें टाइप करना पड़ता है, तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। अब हमें सिर्फ पीए, पीएच और टीआर की ही सिर्फ टाइप करना पड़ेगा और उससे हमारा टाइपिंग टाइम जो है वो सेव हो जाएगा। तो सेलेक्ट में हमने वो कॉलम मेंशन कर दिए जो हमें
चाहिए, फ्रॉम में हमने वो टेबल मेंशन कर दी जो हमें चाहिए। अब ये टेबल्स को आपस में ज्वाइन कैसे करना है, उसके लिए हमने कंडीशन क्या दी कि जहाँ पे पेशेंट टेबल का पेशेंट नंबर जो है वो ट्रीटमेंट टेबल के पेशेंट नंबर के इक्वल है, और जहाँ पे फिजिशियन टेबल की फिजिशियन आईडी जो है वो ट्रीटमेंट टेबल की फिजिशियन आईडी के इक्वल है। जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो ये तीनों टेबल्स ज्वाइन हो जाएंगी। आप यहाँ पे टेबल स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ट्रीट टेबल जो है वो फिजिशियन के साथ भी कनेक्ट होती है विद द हेल्प ऑफ फिजिशियन आईडी, और वो पेशेंट के साथ भी कनेक्ट होती है विद द हेल्प ऑफ पेशेंट नंबर। तो इन्हीं दोनों फील्ड्स की हेल्प से हम तीनों टेबल को ज्वाइन करेंगे कि ट्रीट टेबल की फिजिशियन आईडी फिजिशियन टेबल की फिजिशियन आईडी के इक्वल है तो वो फिजिशियन वाली रोज उसमें कनेक्ट हो जाएंगी, और जहाँ पे पेशेंट नंबर जो है वो पेशेंट टेबल के पेशेंट नंबर के इक्वल है वहाँ से पेशेंट की डिटेल भी उस रो में ऐड हो जाएंगी। अब यहाँ पे एक कंडीशन हमें और चाहिए थी कि हमें सिर्फ चार ही डॉक्टर्स की डिटेल चाहिए थी, इसलिए हमने वो कंडीशन भी मेंशन कर दी डेट फिजिशियन आईडी इन 8887, 8886, 8883 और 8882, कि अगर फिजिशियन आईडी सिर्फ इन चारों में से ही कोई एक है तभी जो है वो रिप्रेजेंट हो। तो आई होप कि ये आपको समझ आया हो, लेकिन अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है इसमें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपके डाउट्स क्लियर हो सकें। और अभी एक्चुअली हमारे पास वो इतनी तीन टेबल्स हमने ऐसी नहीं क्रिएट की हुई जिसपे हम इस तरीके से ज्वाइन जो है वो कर सकें, लेकिन अगर आप सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं नेक्स्ट क्लास में जो है आपके लिए टेबल्स भी क्रिएट करके रखूँगी ताकि आपको जो है चीज़ें वो और अच्छे से क्लियर हो सकें। इनफैक्ट मैं यही वाली टेबल्स जो हैं वो क्रिएट कर लूँगी आपके लिए ताकि इस एग्जाम्पल को आप अच्छे से समझ पाएँ। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको समझ आ गया है तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं। आप मुझे फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए क्योंकि आपका फीडबैक ही जो है मुझे गाइड करता है कि मुझे किस डायरेक्शन में मूव करना है। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक बटन को प्रेस कर लीजिए, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेट मत कीजिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये टाइम आपके लिए बहुत ही क्रूशियल है, एग्जाम सर पर हैं आपके, और अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है अच्छे से तो इससे ज़्यादा बेटर मौका आपके लिए नहीं हो सकता। इस चैनल पे हम आपका कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस दोनों का ही सिलेबस जो है वो डिटेल में कवर कर रहे हैं ताकि आप एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।